ये लोग इवन बैंक ब्रांचेस, बैंक मैनेजर्स भी या बैंक स्टाफ भी, नॉट पर्टिकुलरली यही, और ब्रांचेस में भी ये लोग क्या है कि इनकी अपनी मिली भगत है, जो मोटा कैश होता है ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। पता नहीं बैंक के एम्प्लॉय कहाँ ले जा रहे हैं कैश, तो कहाँ नहीं ले जा रहे हैं पता, लेकिन अंदर ही अंदर चेंज कर रहे हो। सारे बैंक के मैनेजर, सारे बैंक के एम्प्लॉय मिले हुए हैं, सब कैश बाहर बांट रहे हैं। बैंक जमा करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए हम लोग हैं, लेकिन वो लोग काम करेंगे जब तो जनता सहूलत होगी ना। A month after demonetization, long lines and low cash are still a grim reality. People are cut off from their own money and frustration is mounting. They are blaming the banks for the scarcity of cash. पीछे से मोदी जी को सपोर्ट करने को इवन ये लोग राजी नहीं है। ये इतनी भीड़ खड़ी है, सब मोदी जी के सपोर्ट में। मोदी जी को सपोर्ट कराने के लिए बैंक वालों को ये अपने पुराने स्टाफ को क्यों नहीं बुलाते हैं? काम कर सकता है पुराना स्टाफ, और लोगों की हेल्प क्यों नहीं लेते हैं? ये बाहर टोकन क्यों नहीं बांट देते हैं? इनको इनका फर्ज बनता है। कैश कैश क्यों नहीं क्या ज़्यादा लाते? ये लोग स्ट्राइक करें कि सर अगर आपके पास में आप हमें कैश नहीं दोगे तो हम बैंक नहीं ओपन करेंगे, आप हमें कैश दें, ताकि कम से कम ये चीज़ें तो नहीं होंगी जैसे वहाँ लिखा हुआ है। कौन कहता कैश प्रिंट नहीं हुआ? सो इज देयर एनफ मनी? लेट्स टेक अ लुक। बिफोर डिमोनेटाइजेशन ऑन द 8th ऑफ नवंबर देयर वर 14.5 लाख करोड़ रुपीस इन सर्कुलेशन। A month after demonetization, over 12 lakh crore rupees have been deposited back into the banks. That's around 82% of all the currency demonetized. Only about 3.8 lakh crore of the new currency has been printed and put into circulation by the RBI. That's less than a third of what Indians have put back into the banks. Of course, there isn't enough cash to go around. People may choose to put the blame on banks, but the numbers simply don't add up. And as far as black money is concerned, there is only a small number of the old 500s and thousands left with the people. With another 3 weeks remaining to return the old money, the revenue secretary has stated that he expects all the demonetized money to come back. Which implies that there was either very little black money or the hoarders have outsmarted the government. Probably a little bit of both. मेरे पास 10 लाख रुपया है, मैंने भी अपने 50 आदमी खड़े कर रखे हैं जगह जगह पैसे देकर। अभी देखो यहाँ से कोई निकलेगा जो पैसे जमा करने की स्लिप है, चार चार गड्डियां लेके जा रहा है एक आदमी। एक गड्डी जो है साल भर के लिए बहुत है। किस लिए ले जा रहा है? अपने मालिक के लिए ले जा रहा है। मेरा अकाउंट है, मेरा मालिक मुझे पैसे देता है कि सर ये मेरे 48,000 रुपये अपने अकाउंट में डालो, मेरे को 24,000 रुपये मिलते हैं, ऊपर से मेरे को तुम ये एडवांस ले लो, अगले हफ्ते के पैसे मैं मालिक को दे देता हूँ। तो ये तो ब्लैक मनी, तो मैं उसके मालिक के लिए वाइट कर रहा हूँ। पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था, नोट बह रही है गंगा जी, नोट बह रही है। दिस इज नंबर वन बुलशिट। यू रिमेम्बर दिस बुलशिट? दिस इज नंबर वन बुलशिट।